हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा हर शुभ कार्य के पहले की जाती है। गौरी पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपने एक दिन और लंबोदर स्वरूप के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा था, जिससे नाराज होकर वह अन्य देवताओं तथा साधारण लोगों के विवाह में भी विघ्न डालने लगे। अंततः ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए संयोग के कारण गणेश जी को दो विवाह करने पड़े थे। आइए जानते हैं गणेश जी के विवाह की रोचक कथा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और गणेश जी की समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी दो पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी से वचन लिया कि वो उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दिए बिना कभी कहीं और नहीं जाएंगे। जब भी गणेश जी किसी देवता के विवाह में बाधा पहुंचाने जाने वाले होते, उसी समय रिद्धि और सिद्धि उनसे कोई प्रश्न पूछ लेती, जिससे वह विवाह स्थान पर पहुंच नहीं पाते और उधर देवताओं का विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाता। पर जल्दी ही गणेश जी को ब्रह्मा जी के इस छल का भान हो गया और वह अत्यधिक क्रोध में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उनकी नाराजगी दूर करने और जगत कल्याण के लिए अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से उन्हें विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गणेश जी की स्वीकृति से एक साथ रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह संपन्न हुआ। आगे चलकर रिद्धि द्वारा शुभ और सिद्धि द्वारा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई।